सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ। किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड, जहां पर मुझे लगता है कि हर एक एक गाना जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूं वो आपके दिल को छलनी छलनी कर देने वाला है। हर एक एक गाने में जो गहराई है वो सच में, मतलब आई थिंक आप डूब जाने वाले हैं हर एक एक गाने में। क्यों? क्योंकि हर एक एक गाना लिखा ही गया है इतनी खूबसूरती के साथ। आज मैं जिन शख्स के गाने यहाँ पर लेकर के आई हूँ, जिन्हें हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, आई डोंट थिंक वो एक ऐसा नाम है जिन्हें इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत है। मैं बात कर रही हूँ साहिर लुधियानवी जी के बारे में। वो एक समय था जब गाने में जज्बात और जान अगर कोई ला सकता था तो वो सिर्फ साहिर लुधियानवी जी ही कर सकते थे। आपको पता है कि हमने बॉलीवुड में जितने इनके गाने सुने हैं, प्यार के बारे में, ज़िंदगी के बारे में सुने ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या क्या चीज़ें थी जिनके बारे में साहिर जी को लिखना पसंद था और कौन सी चीज़ें बिल्कुल नापसंद करते थे, वो बताऊँगी आपको आगे शो पर। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर गानों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहला गाना ही खयाम साहब और साहिर लुधियानवी जी की जो बेहतरीन दोस्ती थी उसके नाम, कभी कभी फिल्म से तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। आए बर्फीली राहों से शोलों की आँच आए बर्फीली राहों से लगे कदमों से आग लिपटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। रंगों की बरखा है खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। ला 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 ला। रंगों की बरखा है खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। लगे तेरे चेहरे से
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें, नजारे हम क्या देखें। अभी न जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं। सारे गामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, के जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होंठ और ये बाहें मेरी अम
तुम्हें, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयां सी राहों में, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। वंस अगेन मुकेश जी की आवाज़ में कभी कभी फिल्म से ये गाना था, वो गाना जो कि आज की तारीख में कोई ऐसा बच्चा जिसके पैदा होने के 30 साल पहले ये गाना आ गया था वो भी शब्द दर शब्द जो है वो याद करके गा सकता है। इस तरह का ये गाना, उस तरह के बोल साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए, जिनकी ज़िंदगी को आज मैं यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही हूँ, कुछ अनसुनी कहानियाँ किस्से आप तक लेकर के आई हूँ। मैं बता रही थी आपको कि साहिर साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो प्यार के बारे में लिखें। इनफैक्ट उन्हें खुदा, हुस्न, जाम, आशिकी, इन सब के बारे में भी लिखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब ही वॉज अ ट्रू बिलीवर ऑफ इट कि ज़िंदगी में और भी कई हैं गम, सिर्फ ये प्यार इश्क मोहब्बत ही नहीं है जिसे लेकर के लोग अपना दिल तोड़े बैठे हैं। इनफैक्ट अगर आप साहिर लुधियानवी जी की कुछ ऐसी कविताएं पढ़ेंगे या फिर कोई ऐसा लेखन पढ़ेंगे जो कि बॉलीवुड में इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने ज़्यादा चीज़ें लिखी थी सोसाइटी के ऊपर, वॉर, पॉलिटिक्स, या फिर जो भी किसान थे उनकी ज़िंदगियाँ, किस तरह से वो जूझ रहे थे, उसके बारे में लिखना साहिर लुधियानवी जी ज़्यादा पसंद किया करते थे। वैसे एक चीज़ जो लोग पसंद नहीं किया करते थे वो था साहिर जी का गुस्सा। कहते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रोवर्सीज में बने रहते थे साहिर लुधियानवी जी उनके गुस्से के कारण। मतलब किसी ने अगर एक चूँ भी कर दी तो साहिर जी का गुस्सा जो था वो इस तरह से बढ़ जाता था जैसे कि मतलब सच में पहाड़ टूट गया हो। ऐसा ही कुछ एक किस्सा हुआ था जिसके बाद में लता जी और साहिर साहब के बीच में तनातनी हो गई थी। अभी लता मंगेशकर जैसी सिंगर से एक लिरिसिस्ट का यूं झगड़ा मोल लेना, क्या थी ये बात, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। उसके पहले फिलहाल सुनाते हैं आपको मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में गाना, जयदेव जी का कंपोज किया हुआ, हम दोनों फिल्म से। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा,
जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। जब ऐ
ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी ये। इधर भी फेरा ओ कभी डाल इधर भी फेरा, के तक तक नैन थक गए, के तक तक नैन थक गए जिंद मेरी ये। बहाने आ जा ओ पानी लेने के बहाने आ जा, के तेरा मेरा एक रास्ता, के तेरा मेरा एक रास्ता जिंद मेरी ये। बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ, 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 तुझे चांद के बहाने देखूं ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरिये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के ओ, अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, चांद बेर छिप जाने दे, कि चांद बेर छिप जाने दे जिंद मेरी। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं रुचि आपके साथ। ये गाना आज की तारीख में भी जब शादी हो रही होती है तो संगीत वगैरह में बजता ही है कि नहीं, उतना मजेदार ये गाना। ओपी नैयर जी का म्यूजिक नया दौर फिल्म से, उड़े जब जब जुल्फें तेरी, सुना आपने। मैं हूँ रुचि आपके साथ और आज साहिर लुधियानवी जी के लिखे हुए जो गाने हैं वो चुन करके लाई हूँ आपके लिए। मुझे लगता है सुपर हिट प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, सो आई होप आपको हर एक एक गाना जो है मेरा चुना हुआ वो बेहतरीन लग रहा हो। फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि साहिर जी का गुस्सा जो था वो तो बहुत फेमस था, सभी लोग डरा करते थे साहिर लुधियानवी जी का गुस्सा, मतलब दूर रहो भाई, इस टाइप का गुस्सा था। अभी हुआ यूँ था कि साहिर साहब ऐसा समझते थे कि गाने हिट होते हैं तो वो लेखक के कारण, लिरिसिस्ट के कारण हिट होते हैं, ना कि सिर्फ सिंगर या सिर्फ कंपोज़र के कारण। इसीलिए सबसे पहले तो साहिर साहब ने म्यूज़िक डायरेक्टर्स और कंपोज़र्स से एक रुपए ज़्यादा लेना शुरू किया। उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कहना शुरू कर दिया था कि जितने भी पैसे दोगे, मैं नहीं कहता कि मुझे इतना सारा पैसा चाहिए, पर तुम जितना भी पैसा तुम्हारे म्यूज़िक कंपोज़र को दोगे उससे मैं एक रुपये ज़्यादा लूँगा। वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन फिर एक बार साहिर जी ने लता मंगेशकर जी को लेकर के भी यही बोला था कि तुम्हें क्या लगता है कि गाना सिर्फ इसलिए हिट हो रहा है क्योंकि लता जी ने गाया है? नहीं, गाना इसलिए हिट है क्योंकि मैंने ये गाना लिखा भी है, तो लता जी जितने पैसे लेंगी उससे एक रुपये ज़्यादा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा तो ही मैं गाने लिखूंगा, वरना मैं नहीं लिखूंगा। इस बात से लता जी ना खुश हो गई थी, नाराज हो गई थी, उन्हें लगा कि काफ़ी रूड था ऐसा स्टेटमेंट देना। एंड दैट इज़ वाई लता जी और साहिर लुधियानवी जी के बीच में थोड़ी परेशानियां हो गई थी। लेकिन बॉलीवुड की बेस्ट सिंगर और बेस्ट लिरिसिस्ट ज़्यादा दिन तक अलग कैसे रह सकते थे, तो दोनों ने एक दूसरे को मना लिया और फिर सब कुछ ठीक हो गया।
ऐसे तनातनी एक और बात को भी लेकर के थी कि साहिर जी अपनी उस समय की गर्लफ्रेंड सुधा मल्होत्रा जी से गाने गवाना चाहते थे, ना कि लता जी से। ये बात भी लता जी को वैसे ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। पर जहाँ तक लव स्टोरी की बात है, लव स्टोरी तो साहिर जी की एक किसी और के साथ में थी, जो आज तक भी जिसके मिसाल जो है वो दी जाती है, आज तक भी जिसके किस्से जो हैं वो याद किए जाते हैं। प्यार भरपूर था लेकिन लव स्टोरी अधूरी रह गई थी। कौन थी ये जिनके ऊपर मर मिटे थे साहिर साहब, बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद। फिलहाल यहाँ पर सुनाती हूँ आपको गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में प्यासा फिल्म से अगला गाना। हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पल को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आँखों में इस दिल को बसा दे तो। फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, इन जुल्फों में गूंदेंगे हम फूल मोहब्बत के जुल्फों को झटक कर हम ये फूल गिरा दें तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींद ही उड़ा दे तो, हम आपको ख्वाबों में ला ला के सताएंगे, हम आपकी आंखों से नींद ही उड़ा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, किस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर, किस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो, हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो, हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो। Love this episode. Offline this video now and enjoy this show anytime, anywhere. मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझे
मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरा जभी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहाँ। ऐ मेरी जोहरा जभी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। Thank you.
जान मन जब मुस्कुरा के बोल दे तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा ऐ मेरी दोहरा जबी तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हसी और मैं जवान तुझके कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मन्ना डे की आवाज वक्त फिल्म से ये गाना सुना आपने वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वक्त चाहे जितना भी बीत जाए जब एक शौहर अपनी बेगम के लिए गाना गाना चाहे तो यही गाना गाता है कि ऐ मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं। आई थिंक जो रोमांस उस समय के लिरिक्स में हुआ करता था वो रोमांस आज की तारीख में कहीं खो गया है। वो जो गहराई थी प्यार की वो आज की तारीख में कहीं खो गई है। नहीं, आपको नहीं लगता? वैसे प्यार की गहराई की जहाँ तक बात है तो वो गहराई तो थी साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम के प्यार में। आपको पता है दोनों को एक दूसरे की लिखी हुई कविताएं किस्से जो होते थे वो इतने पसंद थे कि दोनों एक दूसरे के लेखन पे मर मिटे थे। एक्चुअली कुछ ऐसा ही था कि इन दोनों को एक दूसरे का काम इतना पसंद था साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम को कि दोनों को एक दूसरे की लिखी हुई चीज़ें पढ़ पढ़ करके एक दूसरे से प्यार हो गया था। अमृता प्रीतम जी शादीशुदा थी लेकिन वो इतने प्यार में थी और साहिल जी भी प्यार में थे। इतने प्यार में थी अमृता प्रीतम जी कि वो अपनी शादी को छोड़ करके साहिल जी के साथ में आने को तैयार थी लेकिन साहिल जी समहाउ नहीं चाहते थे कि ये जो एक ब्रिज था इन दोनों के बीच में, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था अमृता प्रीतम जी और साहिल लुधियानवी जी के बीच में, साहिल जी चाहते नहीं थे कि इसे कम किया जाए, इस डिस्टेंस को कम किया जाए। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका प्यार दूरी से है तो वही ठीक है। खूब सारे लेटर्स लिखा करते थे ये एक दूसरे को। एक बार जब ये दोनों मिले थे एक दूसरे से तब साहिर जी ने खुद लिखा है ये कि एक अजीब सी चुप्पी थी इन दोनों के बीच में, मानो ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को सिर्फ खतों के तौर पे जानते थे। एज अ पर्सन या असली में जब सामने आकर के वो इंसान बैठ जाए तो इन्हें लग रहा था जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं है। साहिर जी को कंटिन्यूसली सिगरेट स्मोक करने की आदत थी तो वो चेन स्मोकर थे, तो वो जब अमृता जी के साथ में बैठे हुए थे तो लगातार सिगरेट पी रहे थे और बस बिना कुछ बात किए यूं ही कुछ एक्सप्रेशंस एक दूसरे को देख कर के दिए और निकल लिए थे वो वहाँ से। और अमृता जी ने ये खुद कहा था कि साहिर जी के जाने के बाद वो उनकी पी हुई सिगरेट उठाती थी, उन्हें जलाती थी और फिर उसमें से एक गश लेकर के ये सोचती थी कि शायद मेरा और तुम्हारा जो फूका हुआ धुआं है वो ही जा कर के आसमान में मिल जाएगा। आई डोंट नो अगर ऐसा प्यार आज की तारीख में है भी या नहीं। क्या आपको पता है साहिर जी ने एक बार अमृता जी को एक होटल पे बुलाया था? नहीं नहीं, अकेले नहीं, वो उनके साथ में जो एक काफ़ी उनसे छोटे उम्र में लेकिन पार्टनर इमरोज थे वो भी थे साथ में, लेकिन वहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन किस्सा हुआ था। इनका प्यार ही कुछ ऐसा था। आई थिंक दैट्स वाई साहिल लुधियानवी जी इतने बेहतरीन राइटर भी थे। दिल में प्यार ना हो तो इंसान राइटर लिरिसिस्ट नहीं बन सकता है। क्या था वो किस्सा बताऊंगी आपको कुछ ही देर के बाद वीकेंड क्लासिक रेडियो शो पर। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जो भी है बस यही एक पल है, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। Thank you.
वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना क्लासिक के न्यू एपिसोड्स हर थर्सडे रिलीज होते हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू सारेगामा म्यूजिक यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन द ऐप ताकि हम हर हफ्ते कुछ नई कहानियों और गानों के साथ मिलते रहें। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। यार मिला एक नया संसार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला एक नया संसार मिला। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। ओ,
हसीन चल यूं ही चल दे कहीं दिल जवां और रुत हसीन चल यूं ही चल दे कहीं तू चाहे ले चल कहीं तुझ पे है मुझको यकीन तू चाहे ले चल कहीं तुझ पे है मुझको यकीन ओ जान भी तू है दिल भी तू ही का तारा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप. मैं हूं रुचि आपके साथ. एक ऐसी प्रेम कहानी जिसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है. साहिल लुधियानवी जी और अमृता प्रीतम जी की प्रेम कहानी. आज साहिल लुधियानवी जी के ही लिखे हुए गाने मैं आपको सुना रही हूँ यहाँ पर शो पर. मैं बता रही थी आपको कि कैसे एक बार एक होटल पे मिले थे साहिर जी और अमृता प्रीतम जी. साथ में इमरोज भी थे, साहिर जी के पार्टनर हुआ करते थे जो उस समय. तीनों काफ़ी देर तक बैठे थे, साथ में थोड़ी बहुत शराब भी पी थी. लेकिन अमृता जी जब निकल गई वापस, जैसा मैंने आपको बताया था शादीशुदा थी वो तब तक, तो वो वापस गई जब, तब साहिर जी ने फ़ोन लगाया अमृता जी को और बोला कि तुम तो चली गई हो लेकिन तुम्हारा पिया हुआ ग्लास जो है वो यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है और ये ग्लास जो है मैं हमेशा अपने साथ में रखूँगा. उसी ग्लास में से अभी मैं एक एक करके घूंट ले रहा हूँ और कुछ लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए. क्या लिखा था वो शायद साहिर जी ने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन अमृता जी बताती ज़रूर है कि कुछ बहुत ही ख़ास है जो कि साहिर जी ने उसके बाद में लिख करके उन्हें भेजा था. इनफैक्ट कहने वाले कहते हैं कि कई सालों बाद तक भी एक ग्लास हुआ करता था जो साहिर जी की टेबल पे रखा रहता था. शायद ही वही ग्लास था जिसमें अमृता जी ने एक बार वो शराब पी थी. इन दोनों का प्यार तो मुकम्मल हुआ नहीं, लेकिन इनके गाने सुन सुन के हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कई दफ़ा प्यार में पड़े हैं. तो चलिए ऐसा ही एक और गाना आपको सुनाते हैं. मोहब्बत बड़े काम की चीज़ है. त्रिशूल फिल्म से आपके लिए. है जवानी है आज की रात क्या सुहानी है. रेशमी जिस्म रेशमी जिस्म थरथराते हैं मरमरी ख्वाब गुनगुनाते हैं. धड़कनों में सुरूर फैला है रंग नजदीक दूर फैला है. दावते इश्क दे रही है फजा आज हो जा किसी हसी पे फिदा. के मोहब्बत बड़े काम की चीज है. काम की चीज है मोहब्बत बड़े काम की चीज है. काम की चीज है छपते हैं चाहत के किस्से. हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है.
किताबों में छपते हैं चाहत के किस्से। हकीकत की दुनिया में चाहत नहीं है, जमाने के बाजार में ये वो शे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है, काम की चीज है, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, काम की चीज है। आज हम इश्क का इजहार करें तो क्या हो, जान पहचान से इनकार करें तो क्या हो। भरी महफिल में तुम्हें प्यार करें तो क्या हो, कोशिश आपकी बेकार करी तो क्या हो। कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो। हर कहते डरती हो दिल में मरती हो, जाने मन तुम कमाल करती हो, हो जाने मन तुम कमाल करती हो। चेहरे का लाल करती हो, ओ जाने मन तुम कमाल करती हो। आप इस वीकेंड क्लासिक रेडियो शो को एज पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं ऑन एंड्रॉइड एंड एप्पल प्लेटफॉर्म्स। जीवन के सफर मेरा ही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो
जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले हो, ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले हो, जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं, लेके दगा देते हैं एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर मेरा ही, मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। I hope you are enjoying this episode of Weekend Classic Radio Show. Do like this video and share this episode with your friends and family. And don't forget to subscribe to Saregama Music YouTube channel. चलिए तो मैं रुचि यहाँ से विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां और आपके पसंदीदा गानों के साथ।